ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवान के पवित्र नाम का जप का जो विधि है, यही विधि है जो हमें इस भौतिक जीवन से तार देगी। बाकी हम लोग कलयुग के जीव हैं, इसलिए हमारे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है। ना हम तप कर सकते हैं, ना हम कुछ त्याग कर सकते हैं, ना हम धन दौलत गृहस्थी को छोड़कर संन्यास लेकर सत्य की खोज में सुदूर यात्रा कर सकते हैं, ना हम यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ के लिए स्थिति ही अनुकूल नहीं है, सामग्री नहीं मिलती है जो यज्ञ के त्रेता युग के यज्ञ के बराबर मिल सकती है। तो बचता है हमारे जीवन में, हमारे स्थिति को देखते हुए दिया हुआ मार्ग, जो भगवान ने ही हमारे कलयुग के समय को देखते हुए दिया हुआ जो मार्ग है, भगवान नाम का जप। और ये इतना सरल मार्ग है कि इसको बच्चा भी कर सकता है और बूढ़ा भी कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, सबको पता है ये सब। फिर भी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ना तब करेंगे जब योग्य समय आएगा। जैसे कि जो नए नए शादीशुदा लोग हैं, वो सोचते हैं कि एक बार बच्चे लोग अपने अपने रास्ते पे चले जाए ना, तो हम लोग फ्री हो जाएंगे। एक बार हम लोग रिटायर हो जाएंगे ना, तो सारा जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाएगी। एक बार ये बीमारी ठीक हो जाएगी ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे घर में बहुत तंटा चल रहा है अभी, ये सब जो प्रॉपर्टी, ये झगड़े वगड़े, वसीयत जो है, एक बार निपट जाए ना, ये सबसे हम लोग एक बार मुक्त हो जाए ना, तो वो अच्छा जप करेंगे बैठ के। अरे अभी तो बेटी की शादी करनी है, अभी वो लड़के का एजुकेशन बाकी है, और उसके बाद में सोचते हैं कि अरे हम तो योग्य ही नहीं है, हम तो इतने पवित्र भी नहीं है, अभी हम लोग थोड़ा सा अच्छा अपने आप की तैयारी करेंगे, और फिर जब हम लोग क्वालिफाई हो जाएंगे ना, तो करेंगे इसको। लेकिन मेरा ये जो अनुभव है स्वयं का, अपने जीवन का, ऐसा कोई भी समय नहीं है जब हमें लगता है कि हम अभी योग्य हैं, क्वालिफाइड हैं, पात्र हैं इसके लिए, अभी हम रेडी हैं इसके लिए। ऐसा समय आज तक तो जीवन में आया नहीं, और ऐसा भी कोई समय नहीं आया है जिस समय कोई समस्या नहीं चल रही है, चाहे वो कुटुंब की हो, बीमारी की हो, या मानसिक अवस्था की हो, या धन की हो। ऐसी कोई भी स्थिति आज तक नहीं आई जो परफेक्ट हो, जिसके लिए मैं सोचूं कि आज जप करने के लिए बहुत अच्छा वातावरण। तो मेरा कहना यह है कि देर इज नो आइडियल सिचुएशन इन द मटीरियल वर्ल्ड। इस भौतिक विश्व में कोई आदर्श स्थिति नहीं है जिसको व्याख्या करेंगे हम, और वो हमारे जीवन में आदर्श स्थिति बार 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 हर रोज सवेरे आती रहेगी, ताकि हम वो आदर्श स्थिति को देखते हुए बैठ जाएंगे और जप करेंगे। ऐसा नहीं आएगा, नहीं होता है, ना होगा भविष्य में भी। अभी हमको लगा कि हमारे घर में जितने भी बीमार थे वो बेचारे भगवत धाम चले गए, अभी हम लोग फ्री हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मन, बुद्धि, समाज और वातावरण, आजू बाजू की स्थितियां, ये कभी भी भौतिक दुनिया में अनुकूल नहीं होती है। इसमें संघर्ष करके ही भगवान नाम का जप करना पड़ता है। प्रभुपाद जी ने जब संस्था खोली थी, तभी कोई आदर्श अवस्था नहीं थी, सब लोग ऐसे थे, नशा करने वाले, जुआ खेलने वाले। प्रभुपाद ने बताया कि हमने आपको योग्यता दी है,
ये आपकी योग्यता नहीं है, मैंने आपको योग्यता दी है इसलिए आप लोग योग्य बने हो। नो क्वालिफिकेशन। तो उस समय जैसी इमरजेंसी थी, हरे कृष्ण आंदोलन को स्थापन करने के लिए जो इमरजेंसी थी उसको देखते हुए प्रभुपाद जी ने जो जो आवश्यक था इमरजेंसी में वो किया और ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। आज तो हमारे जीवन में वैसी इमरजेंसी नहीं है, फिर भी हमारे जीवन में आदर्श अवस्था कभी नहीं आएगी। तो आज के चर्चा का संक्षेप में सारांश यही है कि कृपया प्रतीक्षा मत कीजिए कि कब आदर्श स्थिति आएगी। आदर्श स्थिति कभी भी नहीं आएगी, यही सुनिश्चित है। और दिए हुए स्थिति में हमें अपना भगवान नाम का जप, अपनी साधना करते रहनी है। मुझे ये ग्रुप अच्छा लगता नहीं है, मुझे मीरा रोड अच्छा लगता नहीं है, मुझे वृंदावन जाना है, वहीं पर मेरा जप अच्छा होता है, और मैं विदेश जाऊंगा तो मेरा जप अच्छा होगा, या मेरे पास 2 करोड़ रुपए का बैलेंस होगा तब मैं शांत हो जाऊंगा और भगवान नाम में जप लगा सकूंगा, मन लगा सकूंगा। ये सारी कथाएं जो है ना वो बेगड़ी कथाएं हैं, झूठ कथाएं हैं। सबसे बेस्ट नियम यह है, हमको ये विश्लेषण करना है कि आज मैं मेरे जीवन के कौन सी अवस्था में हूं, वही अवस्था जप करने के लिए परिपूर्ण है, वही अवस्था साधना करने के लिए अनुकूल है, और अन्य प्रकार से अनुकूल और आदर्श अवस्था का अवस्था की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिए हुए स्थिति में कृपया हम सब भगवान नाम को पुकारे। तो चैतन्य महाप्रभु का ये जो प्रयास है पूरा हरिनाम संकीर्तन आंदोलन प्रस्थापित करने का, वो सफल तो है अपनी स्थिति में, लेकिन अपने जीवन में अगर हमको चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन सफल करना है तो दिए हुए स्थिति में हमें ये करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।